इस धरती पर मैं आपको बताऊं, कई सारे सत्पुरुष भगवान के रूप में घूम रहे हैं, कई सारे सत्पुरुष हम पहचान नहीं पाते। शिरडी वाले सत्य साई बाबा को उस समय में कोई पहचान पाया क्या? श्री रामचंद्र जी भगवान को कोई उस समय में पहचान पाया क्या? अरे राजा रामचंद्र को पहचानते तो वो धोबी परीक्षा कैसे ले लेता सीता की, लेता क्या? राजा रामचंद्र जी को नहीं पहचान पाए। इस युग में जितने भी सत्पुरुष हुए हैं ना, उनको हम पहचान नहीं पाए, और हम वो अमर हो गए। उसके बाद हम उनकी आरती करते हैं, उनको पूजा स्थल पर रखते हैं, लेकिन जो उनके साथ थे वो उनको पहचान नहीं पाए। इस युग में भी कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको आप मदद करो, उनके कंधों को मजबूत करो, उनके पांवों को डिगने मत दो, उनके हौसलों को निराशा में तब्दील मत होने दो। जो आप नहीं कर सकते वो कुछ और कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी विश्वास को बनाए रखो, उनको मदद करो। ये तो कर सकते हैं हम थोड़ा सा अपने स्वार्थ से दूर होकर बात करें। हम कुएं के मेंढक की तरह अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना परिवार केवल ये न कहें, इस सृष्टि में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब हमारे परिवार के अंग हैं। और यदि किसी को कोई कष्ट है तो वो हमारा अपना कष्ट है, और यदि वो सामने मेरे दिख जाता है वो कष्ट, तो मैं उसे दूर करने की भरपूर चेष्टा करूंगा। भगवान से ये बुद्धि मांगो कि भगवान सद्बुद्धि देना कि कोई व्यक्ति अगर तड़प रहा हो, पीड़ित हो, कराह रहा हो, तो भगवान ये सद्बुद्धि देना कि हमारा हाथ उसकी मदद के लिए उठ जाए, हमारे पैर उसकी मदद के लिए उसकी तरफ चल पड़े। यदि कोई वस्तु हाथ के समीप हो और हम देने से उसके कष्ट को दूर कर सकते हैं तो दे दें। हमारे मन में, हमारे विचारों में कहीं भी कोई भी कमी ना आने पाए, कुबुद्धि ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मौके को चूक जाएं, हे भगवान हमें सद्बुद्धि जरूर देना। और भगवान से एक प्रार्थना और करना, भगवान मुझे जितनी भी तकलीफ दे देना जरूर, मुझे जितना भी कष्ट दे देना जरूर, लेकिन एक प्रार्थना है कि उस कष्ट से डटकर मुकाबला करने की सामर्थ्य भी जरूर देना। वो तकलीफ देना जरूर, ऐसा कभी मत कहना कि तकलीफ मत देना, कष्ट मत देना। बिना कष्ट और तकलीफ के तो सोना भी कुंदन नहीं बन पाता, सोना भी आभूषण में तब्दील नहीं हो पाता। यातना झेलने के बाद ही तो घोड़ा रेस में प्रथम आता है।